दोस्तों इतना ज्यादा सैलरी वाला वैकेंसी आपको फिर नहीं मिलेगा मौका। जो लोग 10th+ ITI करके रखे हैं एकदम से भर दीजिए, 2000 वैकेंसी है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार बिजली विभाग में जो फिर से एक नया भर्ती आ चुका है उसका नाम है टेक्नीशियन, ठीक है। टेक्नीशियन के पद पर जो आपका 2000 वैकेंसी आया है, ठीक है, इसका पूरा मैं आपको जानकारी बताऊंगा। सैलरी जो है बहुत ही अच्छा है। अगर आप सभी लोग पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें आपको पूरा बताया कि क्लर्क के ऊपर में जो आया है, जूनियर असिस्टेंट के ऊपर में आया है, ठीक है, और ये अगला नोटिस उसी का है, उसी विभाग में आया है, बस पद का जो है नाम चेंज है टेक्नीशियन। तो उन सभी में 500 वैकेंसी मैंने आपको बताया था, लगभग 530 जो कि दो नोटिस था, और एक और नोटिस है जिसमें आपको 2000 वैकेंसी ये आपको मिलने वाला है टेक्नीशियन के ऊपर, ठीक है, जो कि आपको केवल 10th और +ITI। तो जितने भी लोग ITI करके रखे होंगे तो उनके लिए जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जॉब को लेकर के, ठीक है। इसमें हम आपको सिलेबस, योग्यता, चयन प्रक्रिया A to Z जानकारी मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर इसके ले जा करके, ठीक है। चाहते हैं तो हम इसको भी उसी वीडियो में ऐड कर सकते थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो तो वो वाला हो गया था, तो और भी ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि अलग ही बना देता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम लेकर के चलते हैं सीधा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर इसके। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, ये चीज बोलना ना पड़े, ओके। तो देखिए पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसका जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस नंबर कितना था, 03/2024, ठीक है, एक था आपको 04/2024। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 05/2024 है। तो सब जो है बिजली विभाग में ही था, लेकिन सबका पद अलग अलग था और पोस्ट अलग अलग था, कितना कितना वैकेंसी सब में, ठीक है। तो इसके बारे में हम दोस्तों बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग पिछला वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे, बस इसमें खाली पोस्ट का जो है कितना पद है वो चीज अंतर है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अप्लाई डेट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस, सारा कुछ आपका वही रहने वाला है, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देते हैं एक बार पूरा झटके में, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे पोस्ट का नाम यहाँ पे टेक्नीशियन Grade 3 का यहाँ पे आपको जॉब है, ठीक है। अगर ये सभी देखिए कैटेगरी वाइज बांट दिया है, UR का, EWS का, ST ST, EBC और BC, EBC और BC मतलब OBC हो गया, टोटल पोस्ट हो गया है दोस्तों यहाँ पर आपको 2000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ओके। चलते हैं देखते हैं अगला, देखते हैं इसमें और भी क्या क्या है। दो साल का इसमें दोस्तों देखिए, अगर आप सभी लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन देखिए, क्योंकि सिर्फ इसमें क्वालिफिकेशन ही अंतर है, बाकी सब वही है पिछले वीडियो में बताया, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें जो आपको मस्ट है पास्ट मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, आप कहीं से भी हो, सिर्फ आपकी आप जो अगर मैट्रिक पास किए, 10वीं पास किए हैं और आपके पास में ITI है, 2 साल वाला जो सर्टिफिकेट होता है, जो ITI करते हैं सब लोग, जो NCVT से जो है मान्यता प्राप्त होता है या तो फिर SCVT से, तो वो वाला आपको चलेगा इसमें, ठीक है। तो 10th और +ITI जितने भी लोग करके रखे हैं ना वो इस बार गर्दा मचा देंगे, 2000 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ देखिए अपेयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं, द अपेयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ओके। तो पूरा जानकारी देखिए मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते होंगे ना तो ऐसा शायद ही आपको कोई बताता होगा पूरा एकदम डिस्क्राइब करके, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये सैलरी के बारे में बताया है, तो इसमें देखिए आपको सैलरी लगभग 50,000 जाने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर तो लिखा है 9200 से लेकर के 15,500, तो ये देखिए बेसिक पे होता है, पे लेवल होता है, जो कि आपको एक बेसिक मिलता है। अब इसका जो है कुछ कुछ परसेंट HRA भत्ता, DRA अलाउंसेस, ये सब सारा कुछ जो है मिल जुट करके आपको लगभग 50,000 तक जाएगा। जैसे बिहार प्रेस में देखते होंगे तो 21,969 रुपये कुछ करके रहता है, चाहे तो फिर 21,000 या तो फिर 19,000, लेकिन क्या उतना थोड़े मिलता है बिहार प्रेस में, उसमें मिलता है 40,000+ मिलता है। तो कैसे मिलता है, यही बेसिक पे लिखा होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐड होता है, महंगाई भत्ता ये सब HRA, तो उसका इसका होता है कुछ, जितना भी रहेगा दिया हुआ अलाउंसेस उसका परसेंट, मतलब जैसे कि इसका 10% HRA मिला, उसका 20% महंगाई भत्ता मिला, तो उसे कर करके आपका सैलरी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, इसमें आपको सीधा आपको रखना है कि 45 से 50 आपका जाने वाला, ठीक है। 7th RPC का इसमें जो आपको पे लेवल मिलने वाला है पे स्केल, ठीक है। और 7th वाला जो होता है ना, 7th पे स्केल का सैलरी तो पहला नंबर 29,000 से लेकर के 30,000 तो आपका ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लोग महंगाई भत्ता ये सब आराम से जोड़ दिए तो 50,000 चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और इसमें देखिए इसमें एज लिमिट को लेकर के हम देखते हैं, तो इसमें देखिए एज लिमिट जो है आपका ये क्या रहने वाला है,
मिनिमम जो एज है आपका वो 18 साल आपको सभी में दिया हुआ है, चाहे तो आप कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है। देख सकते हैं यू आर एस सी एस टी ए बी सी बी सी और यू आर फीमेल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज जो है 18 से देखिए आपको 37 यू आर में मिल जाएगा, मिनिमम 18 मैक्सिमम 37। एस सी एस टी, एस सी का बात करते हैं और एस टी का बात करते हैं, तो एस सी एस टी का आपको दोस्तों सेम मिलने वाला है क्या, तो 18 से लेकर के 42। और बी सी और ई बी सी मतलब ओ बी सी हो गया, ठीक है। तो ओ बी सी का जो यहाँ पे रहने वाला 18 से लेकर के 40, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो फीमेल यू आर अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल है उनका भी यहाँ पे रहने वाला 18 से 40, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है। देखिए अगर आप सभी लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं, बीसी ईबीसी के छात्र या छात्रा हैं कैंडिडेट, तो आप लोग अपना रिजर्वेशन का जो लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एनसीएल बनवा करके रखना अपना कास्ट सर्टिफिकेट। एनसीएल बनता है तभी जो आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा, बीसी ईबीसी का जो भी कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके अगर ये नहीं रहेगा आपके पास तो नहीं मिलेगा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ये आप लोग बनवा लीजिएगा अगर नहीं बना होगा तो। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका एप्लीकेशन फी के बारे में। तो इसका भी एप्लीकेशन फी वही है जो मैंने आपको क्लर्क वाला बताया था, स्टोर कीपर वाला बताया, सॉरी स्टोर कीपर वाला बताया था, ठीक है। वो जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ओके। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का था उसमें वैकेंसी सबका जो है। इसमें देखिए ओबीसी की अगर बात करते हैं दोस्तों और यू आर का, तो इसका लगने वाला आपको 1500 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर हम एस सी एस टी की बात करते हैं और यहाँ पे क्या चीज दिव्यांग के लिए बात करते हैं तो आपको 375 रुपया लगने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम ये देखिए ऑनलाइन जो है फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन मोड से, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जाम जो है ना सिलेक्शन मोड, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें देखो दोस्तों आपको सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन आपका दोस्तों इसमें एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसका सिलेबस में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्टों में होगा तो ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखिए बताया गया है कि एमओ जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपका एक छोटा सा डेमो मॉक इंटरव्यू होगा ये सब, ठीक है, फिर आपका फाइनल इसमें जॉब लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ए मॉक या डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपका, आगे देखिए इसमें और क्या क्या है। तो हाँ इसमें देखिए डेट के बारे में बताया कि कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा। देखिए दोस्तों 1 अप्रैल से आपका भरा जाएगा, लास्ट डेट आपका है 30 अप्रैल, ठीक है। देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से आपका भरा जाएगा, लास्ट डेट आपका है 30/4/2024, ओके। चलिए आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं आगे क्या क्या है। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, ये जो एज काउंट किया जाएगा ना इसमें, जो मैंने आपको बता रहा था 18 से 21 से 40 ये सब 33, तो ये आपका 31 तारीख से जुटेगा, ठीक है, 31/03, ठीक है, 2024 यानी कि 31 मार्च से 31 मार्च 2024 तक जो है आपका वो चीज हो जाना चाहिए। वो डेट कितना था मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ देखिए 18 से 37 18 से 42 42 18 से 40, तो आपका 31/03/2024 तक आपका पूर जाना चाहिए कम से कम 18 साल, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डेट मैंने आपको बता ही दिया है ये सारा कुछ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है आपका क्या चीज, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट। चलिए ये सब तो खैर बाद में देख लेंगे, ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बता रहा, चलिए एक बार बता ही देते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट वगैरह आपको क्या क्या जो है रेडी रखना है। तो देखिए जो आपको डॉक्यूमेंट रखना है, सबसे पहले आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है जिस योग्यता पर आप भर रहे हैं फॉर्म को वो रखेंगे, जैसे कि आपका हो गया आईटीआई वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th वाला सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आपको एनसीएल बनवा करके रखना है, फिर उसके बाद आपको दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके रखना है। ये जो आपका बेसिक हो गया इतना तो आपको एकदम बनाना है, ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो लोग जो है अगर पहले से बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये सब आपको दोस्तों सर्टिफिकेट बनवा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कलर फोटोग्राफ जो है आपका एप्लीकेशन जब भरा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन करके, ठीक है, आप लोग चिंता नहीं लीजिए। कब क्या है कितना केबी लगेगा वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। चलते हैं और आगे इसमें देखते हैं सिलेबस को लेकर के, सिलेबस में क्या क्या है। देखिए ये दोस्तों आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर
पहले तो आपको दोस्तों जनरल नॉलेज आपको मिलेगा 10th लेवल पर, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आएगा आपका रीजनिंग, ठीक है। पहला क्या हो गया आपको जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस प्लस, अब आ गया आपको रीजनिंग। उसके बाद दोस्तों आपका है क्या चीज़, तो हिंदी, ठीक है, क्या है तो हिंदी है। उसके बाद दोस्तों देखिए हिंदी में ग्रामर वगैरह, वोकैबुलरी, ये सब देखिए इंग्लिश में लिखता है, लिखना चाहिए था इसको, व्याकरण वगैरह हिंदी में, जैसे कि एक शब्द हो गया, अनेक शब्द हो गया, और विप्रतार्थक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सब लिख दिया, सिनोनिम लिख दिया है, इसे आपको गड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस इंग्लिश में नाम लिख दिया है, ठीक है। हिंदी आपको पूरा पढ़ लेना है, ओके। और इसमें दोस्तों देखिए इंग्लिश फिर आएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका इंग्लिश, मैं आपको यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा ना, क्या बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं पर लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा, और इंग्लिश भी आएगा इसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें जो है ना आपको कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जैसे कि आपका क्या चीज़ हो गया, कंप्यूटर में क्या क्या आपको आपको जानकारी होना चाहिए, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, इसमें देखिए नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड होना चाहिए, ईमेल, जीमेल, ये सब सर्च इंजन, वेब सर्वर, ये सब लैन, वाईफाई जो होता है सब, वायरस, मालवेयर, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब आपको एकदम आना चाहिए, क्योंकि आप टेक्नीशियन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को तो ये चीज़ आना ही चाहिए। और देखिए जो आपने आईटीआई कर रखा ना, उससे रिलेटेड भी आपको पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ठीक है, फाइनल ईयर का जो होता है ना उसी का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, जैसे कि एसी मैकेनिक, एसी मशीन, ठीक है, अल्टरनेटर, ठीक है, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन, इस तरीके के जितने भी आपको आपको पता होगा कि मुझे जो क्या पूछा गया था सिलेबस में, फाइनल ईयर ऑफ आईटीआई एग्जामिनेशन, ठीक है, उसका सिलेबस आपको पूछेगा, तो आप सभी लोग कवर कर सकते हैं इसको यूट्यूब पर से भी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं इसमें देखिए क्या क्या है सिलेबस है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जीके जीएस हो गया, ठीक है, जीके जीएस प्लस आपका, फिर उसके बाद दोस्तों रीजनिंग हो गया, इसको एक दो करके लिख ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहला दोस्तों आपको क्या होगा, तो जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस पहला हो गया। दूसरा की अगर बात करें तो आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया। तीसरा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपको, तो तीसरा तो आपको हिंदी हो गया, ठीक है। चौथा की अगर हम बात करें दोस्तों, चौथा आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश। पांचवा की अगर बात करें दोस्तों, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और छठा की अगर हम बात करते हैं तो आपका आईटीआई जो आपका लास्ट ईयर है उससे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो जितना भी मैंने आपको बताया था, देखिए पिछला भी वीडियो मैंने बताया था, जो क्लर्क वाला वैकेंसी था, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का, और जो सिर्फ करस्पॉन्डिंग कलर का था, उसमें भी 6 सब्जेक्ट ही पढ़ना था, लेकिन उसमें मैथ था, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। और उसमें भी अलग अलग जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, लिंक, ठीक है। चलिए दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड जितना भी जानकारी था मैंने आपको पूरा जो है डिटेल में बताया है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको पूरा जानकारी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट बच जाता है, कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट में डालिए, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों इतना ज्यादा सैलरी वाला वैकेंसी आपको फिर नहीं मिलेगा मौका, जो लोग 10th+ ITI करके रखे हैं एकदम से भर दीजिए, 2000 वैकेंसी है, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, 2000 बहुत होता है अभी के टाइम पर, क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।